आपका मैं आपका स्वागत है। मैं हूँ दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस की कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं और करे भी क्यों ना, क्योंकि कांग्रेस के लिए जो स्थितियां हैं वो करो या मरो की हैं। 15 साल बाद सरकार बनी थी 2018 में, लेकिन वो 15 में नहीं चली। यही वजह है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं उम्मीद दिखाई दे रही है और ये जो उम्मीद है वो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है नगर निगम चुनाव के, नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों के बाद से। जब कांग्रेस ने के पास पहले 2015 में एक भी मेयर पद नहीं था और अब कांग्रेस जो है कांग्रेस के पास 5 मेयर हैं, बल्कि वो 5 मेयर पदों पर कांग्रेस काबिज हुई है। यही वजह है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक उसको उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, बल्कि कह सकते हैं कि नगरीय निकाय के चुनाव ने के जो नतीजे हैं उसने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है। यही वजह है कि 2023 के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है और तैयारियों की जो शुरुआत हुई है उसमें सबसे पहले कांग्रेस ने पूरे 52 जिले के प्रभारियों को नियुक्त किया है। पूरे 52 जिलों में प्रभारियों को नियुक्त करके जो कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन सभी को जो पहला जिम्मा दिया है वो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का दिया है कि प्रत्येक जिले में मैदानी स्तर तक कांग्रेस का संगठन मजबूत होना चाहिए। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बात को कई बार कह चुके हैं कि उनका जो झगड़ा है मध्य प्रदेश में वो बीजेपी से नहीं है, बल्कि बीजेपी के मजबूत संगठन से है। इसलिए जब से उन्होंने मध्य प्रदेश में कमान संभाली है तब से वो लगातार कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर जोर देते रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने 52 जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति अभी से कर दी है और इन सभी प्रभारियों को इस बात के लिए बड़े साफ तौर पर कहा गया है कि सबसे पहले वो मैदानी स्तर पे कांग्रेस के संगठन को मजबूत करें, जनता तक, जनता के बीच पहुँचें, लोगों के बीच पहुँचें और पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए जो संभव काम हो सकते हैं वो करें। दूसरा, कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के सभी संगठनों को, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे वो युवा कांग्रेस हो, सभी को ये कहा है कि एक साथ मिलकर संयुक्त तौर पर काम करना होगा संगठन की मजबूती के लिए और एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखना होगा। खासकर जिन प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, सभी संगठनों को जिला स्तर पर उन प्रभारियों से कोऑर्डिनेशन रखना होगा। और जो कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हैं, उन्होंने हर महीने इसके बारे में एक रिपोर्ट मांगी है कि हर महीने इस बारे में एक रिपोर्ट उनको दी जाएगी। साथ ही जो कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ हैं, उन्होंने बाल कांग्रेस की मजबूती पर फिर से जोर दिया है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बाल कांग्रेस बनाई थी और ये बाल कांग्रेस वो थी जिसमें कांग्रेस के जो कांग्रेस से जुड़े परिवार हैं या जो पुराने कांग्रेसी परिवार के जो 18 से 20 साल के, जो 18 साल तक के जो युवा उस परिवार के सदस्य हैं, उनको बाल कांग्रेस में जोड़ा गया था, उनको कैप्टन बनाया गया था, वाइस कैप्टन बनाया गया था। तो अब वापस उस बाल कांग्रेस को प्रत्येक जिले में तैयार करने के लिए कहा गया है। बाल कांग्रेस के जरिए कांग्रेस कहीं ना कहीं इस तरह की उम्मीद रखती है कि वो जो युवा वोटर जब होगा तब तक वो कांग्रेस को लेकर अपनी सोच को तैयार कर सके, वो ये समझ सके कि आखिर कांग्रेस की विचारधारा क्या है। तो बाल कांग्रेस के जरिए युवा वोटर तक कांग्रेस की विचारधारा पहुंचाने का भी काम किया जाएगा। तो कुल मिला के कांग्रेस ने 2023 की तैयारियां पूरी तरह से शुरू कर दी हैं, चाहे वो 52 प्रभारियों की नियुक्ति हो, चाहे वो कांग्रेस के सभी संगठनों को कहा गया है कि एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम करें, और चाहे फिर वो हर महीने की कमलनाथ की रिपोर्ट लेने की बात हो। तो कुल मिला के कांग्रेस की तैयारियां पूरी है। देखना होगा कि 2018 में तो कांग्रेस सत्ता को हासिल कर पाई थी, लेकिन 2023 में कांग्रेस की क्या स्थिति होती है, क्या कांग्रेस अपने संगठन को इतना मजबूत कर पाएगी कि वो बीजेपी को टक्कर दे सकें।